हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नए पेपर के साथ नया डिस्कशन करेंगे, नए नए क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में नंबर गेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अच्छे मार्क्स पाने के लिए प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखिए। तो हमारा इसमें क्या है, ये कॉमन क्लासेज के पेपर हैं, यानी सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, तो पहले 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर हमारा ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, फिर हमारा क्वेश्चन का पैटर्न में ये फिलअप भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, पहला एमसीक्यू है, दूसरा फिलअप है, और फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो उसमें हम लोग को 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स, और फिर थर्ड ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड राइट आंसर है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल इज। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन गॉल्गी बॉडी, थर्ड ऑप्शन राइबोसोम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन लाइजोसोम्स। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो है ए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हमारा देखिए, तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सही, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और लाइजोसोम्स जो है वो सुसाइड बैग है, यानी कि बाहर के फॉरेन मटेरियल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। गॉल्गी बॉडी जो है उसका भी अपना फंक्शन है, ठीक है, वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करता है, यानी भी कोई भी अनवांटेड चीज़ को अंदर एंट्री नहीं करेगा, वो एंटर नहीं करने देगा सेल के अंदर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिपेरिन इज सिक्रेटेड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड ऑप्शन ब्लड सेल, थर्ड ऑप्शन नर्व सेल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन लीवर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ब्लड सेल, यानी जो है ये जो हिपेरिन है वो बेसोफिल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और सिक्रेट करता है इसे मास्ट सेल। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्किन, सेकंड ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन लीवर, फोर्थ ऑप्शन ईयर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा सी ऑप्शन, लीवर। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले इज द पोर्शन ऑफ। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन लीवर, सेकेंड ऑप्शन नेफ्रोन, थर्ड ऑप्शन हर्ट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है नेफ्रोन, यानी बी ऑप्शन। नेफ्रोन किसका पार्ट है, किसका यूनिट है, तो वो है किडनी का। एक किडनी में लगभग 1.3 मिलियन नेफ्रोन होते हैं एक किडनी में, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, जैसे असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप हो गया, ठीक है। तो अब हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रू फॉल्स में, यानी राइट और रॉन्ग, यानी जो सही है उसे सही करना है, जो गलत है स्टेटमेंट उसे गलत करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो 120 दिन होता है। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फीमर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो ये हमारा रॉन्ग है, यानी फॉल्स से गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है लीवर। फीमर क्या है, बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। अब हमारा 2.3 यानी थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज न्यूरोन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरोन नर्वस सिस्टम का यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, और हमारा जो किडनी का यूनिट है वो होता है नेफ्रोन। तो ये हमारा गलत है, रॉन्ग है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम इज आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। तो ये हमारा राइट आंसर है, सही है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो बीटा सेल जो है वो हमारे इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन को। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिलअप यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान है उसको भरना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड स्टैंड्स फॉर। तो इसका को से हो जाएगा CO, को से हो जाएगा कोरोना, VIY से हो जाएगा वायरस, और D से हो जाएगा डिजीज। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, और मास्टर ग्लैंड है हमारे बॉडी के अधिकतर फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज।
तो इसका होगा हमारा टेस्टिकल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिकल होता है यानी टेस्टिस, वही स्पर्म को सिक्रेट करता है, फॉर्म करता है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है मेटल शार्प वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन। तो जो मेटल शार्प्स होते हैं वो हमारे वाइट डस्टबिन में डिस्पोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा ग्लासवेयर है, ठीक है, शीशा का कोई भी चीज़ है, तो वो सब ब्लू डस्टबिन में डिस्पोज होता है। और हमारा अगर कोई सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, तो वो सब हम लोग रेड डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे, ठीक है। रेड डस्टबिन में हम लोग सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड्स एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो हमारा एड्स डे है, विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कैंसर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 4 फरवरी को। और अगर पूछ दिया टोबैको डे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मतलब अभी के टाइम में एकदम कैंसर, टोबैको, ये सब, तो जो हमारा होता है वो टोबैको डे वो हो गया 31 मई को, ठीक है। ये सब डेट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कोई भी दो आंसर को लिखना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी दो को लिखना है, 5-5 मार्क्स का है, ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत ही छोटा, स्मॉल, और हमारे ब्रेन के सेंट्रल रीजन में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि नर्व फाइबर से बना होता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाई नर्व फाइबर। अब इसमें क्या है हमारा कि ये क्या है कि लिंक स्ट्रक्चर है, यानी लिंक बनाता है नर्वस सिस्टम और हमारे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टलेस होता है, यानी हार्मोन सिक्रेट करता है। और हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, वो नर्व के थ्रू यानी नर्व फाइबर के थ्रू क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल है, उनको ट्रांसमिट करते हैं। तो अब हमारा क्या है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि ये हमारे बॉडी का होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स आवर होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। हमारा दूसरा फंक्शन है इसका कि ये हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, यानी हार्मोन को रिलीज करता है। तीसरा फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। चौथा फंक्शन है कि हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल साइकिल हैं, यानी स्लीप और वेक साइकिल, यानी जगना, उठना, सोना, ये सब जो है वो सब साइकिल्स को यही मेंटेन करता है। अब हमारा क्या है कि भूख लगना, प्यास लगना, वेट को कंट्रोल करने की इच्छा करना, वेट कंट्रोल करना, जो भी है ये सब, वो सब हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। जितने भी सेक्सुअल बिहेवियर हो उसको भी मैनेज करता है। इमोशनल बिहेवियर हो, इमोशनल रिस्पॉन्स हो, यानी प्यार, दुख, घृणा, किसी से पे क्रोध आना, ये सब जो होता है वो सब रेगुलेट करता है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है। हमारा बीपी, हार्ट रेट, सब कुछ हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। हमारा देखिए जो इसमें नर्व फाइबर होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करते हैं। वो केमिकल जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कशन कर लिए, इसके बारे में और इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं आप लोग। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है फीमर, यानी फीमर के बारे में लिखना है। तो फीमर क्या है कि एक अकेला बोन है, ठीक है, सिंगल बोन है जो कि हमारे थाई में प्रेजेंट होता है। दूसरा है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। फिर तीसरा बोल देंगे इसमें कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ऊपर जो हिप से अटैच रहता है उसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, और जो लॉन्ग इसका बीच का पोर्शन है उसे शाफ्ट कहते हैं, और तीसरा जो डिस्टल पार्ट है नीचे का वो हमारे पटेला से अटैच रहता है। अब हमारा ये लॉन्गेस्ट हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट है, हैवीएस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, भारी भी होता है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है सबसे, ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। फिर इसका फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन है कि वेट बियर करता है। जितना हमारे बॉडी का वजन है वो तो हमारे पैर पे ही रहता है, थामे रहता है हमारा पैर, तो वेट बियरिंग का इसका काम है। और है कि हमारे GAIT, तो ये क्या होता है कि हम लोग को चलने फिरने, हमारे जो भी मूवमेंट है फूड का, उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ गैट यानी स्टेबल बनाए रखता है, हम लोग आसानी से चल लेते हैं, तो उसमें ये हमारे जो फीमर बोन है वही हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फीमर के बारे में जान गए हैं। अब हमारा थर्ड क्या है कि
कि बेसिक्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन, तो इन तीनों में से कोई दो करना था, दो मैंने बता दिया। तीसरे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमारा क्या है कि ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी जो ब्लड वेजल है वो क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। दूसरा, हमारा प्लेटलेट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो कोगुलेशन कैस्केड है वो एक्टिवेट हो गया इस तरह से, ठीक है। और कोगुलेशन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे फाइब्रिन नाम का एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फाइब्रिन वो फॉर्म हो जाता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फाइनली क्लॉट हो जाता है ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक स्टेप अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या होता है कि हेमरेज का कंडीशन आ जाता है, यानी ब्लड रप्चर कर जाएगा और हमारा बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है, एक्सेस ब्लीडिंग, ठीक है, जिससे हमारा बहुत ही हालत ख़राब हो सकता है, ठीक है, हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो। तो इस तरह से मैंने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दिए। आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट करें। मैंने जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने इम्पॉर्टेंट पेपर थे, वो सबको डिस्कशन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब।